दोस्तों वर्तमान समय में भारत सरकार द्वारा काफी ज्यादा योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें से एक योजना है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। दोस्तों इस योजना में क्या है कि अगर आप गरीब परिवार से हैं, आपका जो है पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं है, आप गरीब हैं, तो आपके लिए इसमें जो है मेडिकल क्षेत्र में जुड़ने का एक अवसर है। आप जो है इसके द्वारा, इस योजना के द्वारा जो है एक नर्सिंग कोर्स बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं, जो कि सरकार की तरफ से बिल्कुल फ्री है, जिसका आपको कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। और उस कोर्स का नाम है GDA कोर्स, जिसकी फुल फॉर्म होती है जर्नल ड्यूटी असिस्टेंट। ये एक नर्सिंग का कोर्स है, जो कि NM GNM BSc नर्सिंग की तरह जो है एक नर्सिंग का कोर्स है, और इसको आप जो है बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। सरकार बिल्कुल फ्री में आपको ये कोर्स करा रही है। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये GDA कोर्स क्या है, इसे आप फ्री में कैसे कर सकते हैं, और इसे करने के बाद आप जो है कैसे अपना करियर बना सकते हैं, कहाँ कहाँ आपको जॉब मिलेगी, कितनी सैलरी मिलेगी, सारी जानकारी हम आपको देंगे गाइज। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन है, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ, दबा दो, जल्दी दबा दिया, घंटी भी दबा। तो गाइस सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये GDA नर्सिंग कोर्स क्या है, जो सरकार हमें फ्री में ये कोर्स करा रही है। ये कोर्स आखिर क्या है, इसमें क्या क्या होता है, इसमें आपको क्या पढ़ाया जाता है, कौन कौन से आपके सब्जेक्ट होते हैं, और कहाँ कहाँ आप जो है इसे करने के बाद जॉब कर सकते हैं, आपको कितनी सैलरी मिलेगी, इन सब बातों पे पहले हम बात कर लेते हैं। हम लास्ट में जानेंगे कि इसमें अप्लाई कैसे किया जाता है, इसमें एडमिशन कैसे लिया जाता है। तो पहले हम जान लेते हैं कि GDA कोर्स क्या है। तो गाइज GDA की फुल फॉर्म होती है जर्नल ड्यूटी असिस्टेंट, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। और गाइज ये कोर्स जो है 3 ड्यूरेशन में होता है, मतलब 3 तरह का कोर्स होता है। एक होता है सर्टिफिकेट कोर्स, जो कि 6 महीने में कंप्लीट होता है। एक होता है डिप्लोमा कोर्स, जो कि 1 से 2 साल के बीच में कंप्लीट होता है। और एक होता है डिग्री कोर्स, जो कि 4 साल में आपका कंप्लीट होता है। तो सरकार जो आपको कराएगी वो 6 महीने वाला जो पहला है सर्टिफिकेट कोर्स, ये आपको करा रही है बिल्कुल फ्री। और इसके अगर हम एडमिशन की बात करें कि आपका जो है क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए आपकी इसमें एडमिशन लेने के लिए, तो गाइज आपकी 10वीं पास होनी चाहिए, तब आप जो है इसमें एडमिशन ले सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं कि इस कोर्स में क्या कराया जाता है, क्या सिखाया जाता है। तो गाइज इसमें नर्सिंग के सारे काम सिखाए जाते हैं, जो एक BSc नर्सिंग या NM GNM वालों को पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है। नर्सिंग के सारे काम आपको बताए जाते हैं कि कैसे पेशेंट्स की केयर करना है, किस तरीके से जो है नर्स के काम होते हैं, सारे आपको नर्स का A to Z फंडामेंटल सब कुछ इसके अंदर पढ़ाया जाता है, आपको एक नर्स बनाया जाता है। और अब हम बात कर लेते हैं इसके सब्जेक्ट, कि कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें पढ़ने होंगे आपको। तो गाइज इसमें आपको पढ़ने होंगे बेसिक ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी और बेसिक नर्सिंग स्किल्स और अंडरस्टैंडिंग बॉडी मैकेनिज्म और जनरल हेल्थ एंड हाइजीन और एडमिनिस्ट्रेटिव ड्रग्स और पेशेंट हैंडलिंग और एमरजेंसी फर्स्ट एड एंड CPR। तो ये कुछ सब्जेक्ट हैं जो आपको 6 महीने के अंदर इसमें पढ़ाए जाते हैं। और गाइज इसमें प्रैक्टिकल्स भी होते हैं। और जब आप गाइज इसके जो है सर्टिफिकेट के 6 महीने आपके कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद गाइज आपको जो है आपके ही शहर में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, उसमें आपको भेज दिया जाएगा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, जिसमें आपकी 3 महीने की इंटर्नशिप होगी। आपको 3 महीने के जो है इंटर्नशिप करनी होगी, नर्सिंग के सारे काम करने होंगे वहाँ पे। और जब आपकी जो है इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाएगी, तो आपको इंटर्नशिप का भी सर्टिफिकेट मिलेगा और आपके ने जो कोर्स किया है GDA इसका भी सर्टिफिकेट मिलेगा, आपके पास डबल सर्टिफिकेट होंगे। उसके बाद जो है आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी प्राइवेट जॉब के लिए, जिसमें आप जो है किसी भी क्लिनिक या हॉस्पिटल में अप्लाई कर सकते हैं। इसकी काफ़ी सारी वैकेंसी रही है। और गाइज आपका जो वर्क रोल रहेगा क्लिनिक में या हॉस्पिटल में, वो रहेगा नर्सिंग असिस्टेंट के रूप में आप काम कर सकते हैं, या फिर इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन के रूप में आप काम कर सकते हैं, या फिर क्लिनिक असिस्टेंट आप बन सकते हैं, या फिर मेडिकल ऑफिसर असिस्टेंट के रूप में आप काम कर सकते हैं, या फिर हेल्थ केयर असिस्टेंट के रूप में आप काम कर सकते हैं, या फिर कम्युनिटी हेल्थ वर्कर के रूप में आप जो है किसी भी क्लिनिक में या फिर हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं। तो ये सारे वर्क रोल आपके रहेंगे। अब बात कर लेते हैं इसकी सैलरी के बारे में गाइज, कि आपको कितनी सैलरी मिलेगी। तो गाइज आपको इसकी स्टार्टिंग सैलरी 8,000 रुपये से लेकर 15,000 रुपये पर मंथ तक मिल सकती है। और ये आपके एक्सपीरियंस पे भी डिपेंड करता है, कि जैसे आपका एक्सपीरियंस होगा उसी हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। अब बात कर लेते हैं गाइज कि इस कोर्स में कैसे एडमिशन लें, इसमें कैसे जुड़ें। तो गाइज ये जो कोर्स कराया जा रहा है, तो ये जो है प्रधानमंत्री की तरफ से आपके ज़िले में कराया जा रहा है। इसके सेंटर चल रहे हैं, जिसमें आप जो है जाके एडमिशन लेंगे, आप फॉर्म फिल करेंगे और इसमें आपका जो है स्टडी पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी। ये अलग अलग बैचों में पढ़ाई होती है, सुबह को कुछ बैच लगते हैं, कुछ दोपहर में लगते हैं, कुछ शाम में लगते हैं। तो गाइज अगर आपको जानना है कि आपके शहर में जो है कहाँ इसका सेंटर, कहाँ पे इसकी जो है पढ़ाई हो रही है, तो इसके लिए आपको गाइज गूगल पे जाना है और यहाँ पे सर्च बार में आपको सर्च करना है PMKVYOfficial.org। ये आप सर्च करेंगे तो आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। इस वेबसाइट पे आपको नीचे आना है स्क्रॉल करके, और नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बैनर है, इस बैनर के ऊपर आपको क्लिक करना है, और उसके बाद
नया पेज खुलेगा, इस पेज में आपको सबसे नीचे आ जाना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा का फाइंड योर ट्रेनिंग सेंटर। इसमें आने के बाद आपको यहाँ बीच वाले में जो लिखा सर्च बाय डिस्ट्रिक्ट, इसके ऊपर आपको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपको अपना स्टेट डालना है। तो हम यहाँ पे स्टेट डाल देते हैं, जैसे हम डाल देते हैं एग्जांपल के तौर पे उत्तराखंड, और यहाँ पे हम डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेंगे। तो डिस्ट्रिक्ट में हमने देहरादून सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं कि देहरादून के अंदर ये तीन प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं जिसमें GDA कोर्स कराया जा रहा है। तो हम जो है इसमें से किसी भी एक प्रोग्राम की लोकेशन देखते हैं कि ये किस जगह पे है, कहाँ हो रहा है। तो जैसे हमने देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है महिला उत्तम एवं बाल कन्या समाधान, इसको इसे हम कॉपी कर लेंगे और हम गूगल पे जाएंगे और यहाँ पे इसके आगे हम लिख देंगे देहरादून लोकेशन और सर्च पे हम क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा एड्रेस आ गया जहाँ पर इस टाइम ये जो है योजना चल रही है। तो इस तरह से आप जो है अपने डिस्ट्रिक्ट के लोकेशन का पता कर सकते हैं कि आपके डिस्ट्रिक्ट में क्या लोकेशन है जहाँ पर जो है ये कोर्स चल रहा है। तो आप लोकेशन पर जाएंगे, वहाँ पर जाएंगे सेंटर पर और अपना जो है डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, एडमिशन फॉर्म फिल करेंगे और आपकी जो है स्टडी पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी। तो गाइज इस तरीके से आप जो है ये कोर्स फ्री में कर सकते हैं। तो गाइज आपको हमारी दी गई जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको कुछ भी पूछना हो, कुछ भी इन्फॉर्मेशन लेना हो तो आप हमसे जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। गाइज फिर मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ, थैंक यू फॉर वॉचिंग।